वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ सेल। ये क्लास नाइन्थ का सीरीज चल रहा है। अब हम लोग राइबोसोम और लाइजोसोम को इस लेक्चर में करने वाले हैं। अब अगेन हम लोग का जो सीक्वेंस रहने वाला है वैसा ही रहने वाला है। पहले हम लोग डिस्कवरर के बारे में जानेंगे, इनका डिस्कवरी कौन किया था। तो इनका जो डिस्कवरी है राइबोसोम का, वो डिस्कवरर थे जॉर्ज एमिल पैलाडे। जी हाँ, जॉर्ज एमिल पैलाडे ने इन्होंने ही 1955 डिस्कवर किए थे राइबोसोम का। ओके, अब हम समझते हैं ये है क्या। अगेन सिमिलर चीज़, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं, तो ये एक सेल ऑर्गेनल है। अब इसका आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, डिटेल सिंपल समझना है। एक सेल ऑर्गेनल है, बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल अक्सर रहता है, छोटा छोटा सेल में पूरा जो होता है उसमें सस्पेंडर रहता है, छिटा हुआ रहता है। किसमें? साइटोसोल में। अगर आप डीप से पढ़ें, साइटोसोल समझते हैं, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है उसमें, ठीक है। और राउंड रहता है, स्फेरिकल रहता है, और इसका काम है प्रोटीन बनाना। तो हम लोग इसका सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स आर टाइनी, ठीक है, छोटा छोटा स्फेरिकल। टाइनी आप नहीं लगाए तो चलेगा, टाइनी या स्फेरिकल, और टाइनी नहीं लगाएगा तो ग्रेनुलर लिख दीजिएगा, मतलब ग्रेन जैसा, जैसा ग्रेन होता है ना हम लोग का अनाज, वैसा ही ग्रेनुलर पार्टिकल्स, ठीक है, ग्रेनुलर पार्टिकल, टाइनी स्फेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स, ठीक है, जो क्या करता है, विच सिंथेसाइजेज, मतलब बनाता है, मेक भी लिख सकते हैं, विच सिंथेसाइजेज प्रोटीन बनाने का काम करता है। बस यही हो गया डिफिनीशन, इसको डिस्कवर किया, समझ गए। अब देखिए, ये दो रूप में रहता है सेल में, ये दो रूप में रहता है। तो इट अकर्स इन टू फॉर्म, दो रूप में। कौन कौन फॉर्म है? तो एक तो आप देखें अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिछले लेक्चर आप देख के आए होंगे, तो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक के रखता है, उसके सरफेस पे अटैच होकर रखता है, रहता है। तो इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, RER, ठीक है। तो इट अकर्स इन टू फॉर्म, कौन कौन फॉर्म है वो? पहला, या तो इन फ्री फॉर्म, या तो फ्रीली रहते हैं, इन फ्री फॉर्म। और फ्री फॉर्म में कहाँ पे रहेंगे? ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में रहेंगे, और साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट में, इन साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। अगेन कोई साइटोसोल कोई भारी वर्ड नहीं है, आप लोग समझते हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है, जो साइटोप्लाज्म का दो पार्ट होता है, एक लिक्विड वाला और एक जो सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल रहता कहाँ है? तो ऑफकोर्स वो साइटोसोल में रहेगा, लिक्विड पार्ट में रहेगा। और दूसरा रहता है किसमें? अटैच्ड टू सरफेस ऑफ ER, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक के सरफेस से, उसके सरफेस रख के, इसलिए उसको RER ही बोलते हैं। अब देखिए, ये बना किससे रहता है? तो मेनली दो चीज़ से बना रहता है, जैसे हम लोग बात किए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीज़ से बना रहता है, या तो वेसिकल से, ठीक है, या तो ट्यूब्यूल से, या तो सिस्टर्ने से। वैसे ही ये भी जो है, ये दो चीज़ से मेनली बना रहता है, एक प्रोटीन से, प्रोटीन का हैवी, और कोई भी चीज़, हम लोग जानते हैं ना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो कोई भी चीज़ हमारे शरीर में जो है मैक्सिमम चीज़ प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से ही बना रहता है, उसमें ज़्यादातर प्रोटीन से बना रहता है। तो इसका कंस्टिट्यूएंट लिखना चाहे, मतलब क्या क्या चीज़ से बना रहता है, तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम तो मेनली दो चीज़ है, एक है प्रोटीन्स ऑफकोर्स, ठीक है, जिससे बनता है वही बनाता भी है प्रोटीन्स, और दूसरा जो है वो है RNA। RNA के बारे में आपको ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे आप DNA सुने होंगे, ठीक है, DNA एज ए ट्रांसफर करने का काम करता है हमारे कैरेक्टर को, उसे RNA भी रहता है, लेकिन इसका दूसरा काम रहता है। अभी फुल फॉर्म आप जान लीजिए, सिंपल समझिए, एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको आसान भी होगा याद करने के लिए, यहाँ से आप राइबो ले सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज़ आपको भारी नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे सोम जो लिखा हुआ है ना, सोम का मतलब होता है दाना, पर्टिकल्स, ठीक है, वही होता है। तो चलिए, यही काम था, फंक्शन आप लिख ही सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो फंक्शन है मेकिंग प्रोटीन्स बनाने का काम है। ओके, अब आपके मन में, अगर किसी के मन में आ रहा है क्या ये भी किसी के सेल में नहीं रहता है, जी हाँ, ये भी किसी के सेल में नहीं रहता है। किस सेल में? तो है कि इन RBC, ठीक है, RBC, खासकर मेमेरियन जो कि दूध पिलाने वाले होते हैं, वो RBC, तो उनके जो शरीर में जो RBC होता है, RBC जानते हैं, रेड ब्लड सेल, सेल है, एक सेल है जो रेड ब्लड, मतलब ब्लड में रहता है, वही RBC इट इज़ नॉट प्रेजेंट, या इट इज़ एबसेंट रहता है। लेकिन एक और चीज़ कि क्या इसके पास मेम्ब्रेन होता है, यानी इसको घेरने वाला कोई है? तो नहीं, राइबोसोम में कैसा है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो राइबोसोम्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब इसके बारे में, तो शुरुआत करते हैं लाइजोसोम के बारे में, चलिए बात करते हैं लाइजोसोम के बारे में। तो लाइजोसोम, ठीक है, जैसा कि उसमें बताया था, उसमें जोम मतलब क्या होता है, जो मतलब होता है पार्टिकल, बॉडी जो होता है, बॉडी, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोम्स मतलब होता है बॉडीज। और यहाँ पे लाइजोसोम जो है, इसमें लाइजो का भी एक अपना मीनिंग है,
ठीक है, अफकोर्स वहाँ भी है पर उतना मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो लाइजो का मीनिंग है, लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है, डाइजेस्टिव, कोई चीज़ को डाइजेस्ट करने वाला। और जोमा, अफकोर्स जोमा जो जोम है वो वर्ड सोमा से आया है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, ये जो है सोमा से जिसका मतलब होता है बॉडी। अब ये भी राइबोजोम के जैसे ही साइटोप्लाज्म में रहता है, सस्पेंडर रहता है, और इसका काम है जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कि ये किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बॉडी में जितने तरह के पार्टिकल है उस सबको डाइजेस्ट करने के कैपेबल होता है इसका एंजाइम्स। तो लाइजोजोम भी, लाइजोजोम्स आर ऑल्सो पार्टिकल्स आर ऑल्सो क्या बोल सकते हैं हम, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल है क्योंकि सेल ऑर्गेन का बात करें तो इट इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनल। और बोल सकते हैं लाइजोजोम्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ही बोल सकते हैं, बैग या सैक लिखेगा आपको, आप सेल ऑर्गेनल से भी शुरू कर सकते हैं, बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो क्या रखता है, इसका काम क्या है, विच कंटेंस, जो रखता है अपने में पावरफुल एंजाइम्स, जो अपने में क्या रखता है, पावरफुल एंजाइम्स। और इस पावरफुल एंजाइम से वो क्या करता है, तो इस पावरफुल एंजाइम्स का बहुत सारा काम है। ये पावरफुल एंजाइम इतना रहता है कि किसी भी चीज़ को ये डाइजेस्ट कर सकता है शरीर में जितना चीज़ है। ओके, मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको जो, इसके जो डिस्कवर थे वो क्रिश्चियन ड्यूबी थे, ठीक है, तो इसका आपको नाम लिखना है तो लिख लीजिए, और ये भी 1995 में ही हुआ था। तो इसके जो डिस्कवरर थे वो थे क्रिश्चियन डी ड्यूबी इन 1995। ऑफ कोर्स इसको रटने का कोई काम नहीं है, आपके नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूँ, कोई कोई इंटरेस्टेड रहते हैं कि इसको बताया इसका नहीं बताया, इसलिए मैं सबका बता रहा हूँ। जो पावरफुल इंजाइम्स रखते हैं ये बनते किससे हैं, तो पावरफुल इंजाइम हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बात कर लिए हैं कि पावरफुल इंजाइम जो होते हैं वो RER बनाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंजाइम्स आर मेड बाई RER के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। अब देखिए लाइजोम के अंदर जो ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, डाइजेस्टिव बैग है, एक तरह से ये बोल दे सकते हैं कि डाइजेस्टिव बैग है, ये किसी भी चीज़ को पचाने के कैपेबल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के शरीर के अंदर, सेल के अंदर जितने चीज़ है सबको, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक दो और नाम भी है जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चूंकि ये डाइजेस्टिव जूसेस रखता है इसलिए पहला नाम इसका हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव बैग्स। तो इसको हम समझते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल इंजाइम रखता है। तो आपको इसका कारण लिखना है तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स बिकॉज इट कंटेंस पावरफुल इंजाइम। इसका पहला नाम एक डाइजेस्टिव बैग्स है, क्यों, बिकॉज इट कंटेंस पावरफुल इंजाइम, इसके पास बहुत पावरफुल इस सेंस में कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा देश को बर्बाद करने वाला ऐसा इंजाइम रहता है, मतलब अपने शरीर के अंदर जितना चीज रहता है ना उसको डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए इसको पावरफुल इंजाइम कहा जाता है। उसके बाद इसका एक दो और नाम है, पहला एक इसको बोला जाता है इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब क्यों, तो इसको हम लोग समझते हैं इसका काम ये कैसे खतरनाक हो सकता है, जैसे कि नाम है सुसाइडल, सुसाइड से आया है, सुसाइड मतलब अपने आप को मार देना, साइड मतलब मारना होता है, CID साइड मतलब मारना होता है, तो सुसाइड मतलब अपने आप को मारना। अब ये सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्या ये अपने आप को जो सेल है इसका उसी को मार देता है, तो देखते हैं, ऐसा ही लग तो रहा है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स एंड मैनुअल एक्सकावेंजर, ठीक है, या सेलुलर एक्सकावेंजर। अब एक्सकावेंजर आप समझते होंगे शायद, एक्सकावेंजर वो जीव को बोला जाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करते हैं। एग्जांपल के लिए आप जो चील है या दूसरे जीव है वो क्या करते हैं, वो जब कोई चीज मर जाता है तो उसको आप देखे होंगे कि फिल्म सब में कम से कम देखे होंगे कि वो मंडराते रहता है, उसके चारों तरफ घूमते रहता है और जहां कोई नहीं दिखा तो उसको मार देता है, ठीक है, या मरा हुआ रहता है तो खा लेता है, तो साफ सुथरा करने वाला। तो क्या ये साफ सुथरा करने वाला है, क्या ये अपने आप को मारने वाला है जो इसका नाम सुसाइडल बैग और इसका एवेंजर पड़ा है, तो जी हाँ ऐसा ही कुछ है। इसको हम लोग समझते हैं इसके फंक्शन से, तो देखिए लाइजोम, तो पहला बात बोल सकते हैं कि ये अंदर का, सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेल के अंदर का, जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर का नहीं, शरीर के अंदर एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल के अंदर का, इसलिए इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये डाइजेस्टिव बैग है, इसमें भी लिख सकते हैं पावरफुल एंजाइम रखता है जिसके कारण इंट्रा सेलुलर, इसको आप शॉर्टकट में लिख दीजिएगा इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सुसाइडल बैग का, तो देखिए सुसाइडल बैग और स्कैवेंजर कहने का कारण है, पहला ये है कि जितने जो डैमेज्ड सेल के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं सेल में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, वो सबको वो जो खत्म खराब रूप से काम करता रहता है, अच्छे से काम नहीं करता रहता है, वो सेल ऑर्गेनल को ये डाइजेस्ट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, ठीक है। दूसरा बात, अगर इसको चोट लग जाए, मान लीजिए सेल को चोट लग गया कहाँ से, तो ऑफकोर्स आपको कोई अगर चाटा भी मार देता है तो उस चाटा मारने से बहुत सारा सेल आपका मरता है, तो कैसे मरता है, ठीक है, उसका एक कारण ये भी है लाइजोम। लाइजोम आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, ये एक बैग है जिसके अंदर सेल का बहुत सारे जूस है, डाइजेस्टिव जूस है।
अब उसको अगर चोट लगेगा तो वो फटेगा, ठीक है, वो जो इसका मेम्ब्रेन है इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है ऑफकोर्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो पूरा सेल को हमेशा के खत्म करने के काबिल रहता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इट हैज सिंगल मेम्ब्रेन, पर सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसके पास, ठीक है। तो जब इसको चोट लगता है सेल को बाहर से तो लाइसोजोम फट जाता है, ठीक है, और लाइसोजोम जहाँ फटता है तो क्या होता है, तो सेल के अंदर जितना चीज़ है उस सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइसोजोम में बस्ट, ठीक है, फट सकता है, ठीक है, कब फट सकता है, तो जब बाहर से इसको चोट लग जाए, में बस्ट एंड द इट्स इंजाइम, इसका जो इंजाइम होता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स या केमिकल्स, डाइजेस्टिव जूस, में डाइजेस्ट, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट मतलब खत्म कर देना, ब्रेक कर देना, खा जाना बोल सकते हैं, इट अप इट्स ऑन सेल, अपने सेल को, अपने खुद सेल को, इसीलिए चूंकि ये अपने सेल को खुद से खा गया, मतलब इसका क्या नाम पड़ गया, सुसाइडल बैग, ठीक है। उसे मैनुअल स्कैवेंजर क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर या बोल सकते हैं हाउसकीपर, सेलुलर हाउसकीपर, क्योंकि ये खत्म करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, इट रिमूव्स पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल, जो खराब से काम करता रहा उसको हटा देने का काम करता है, या जो मर गया पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल या डेड ऑर्गेनल। बहुत सारे शरीर में ऑर्गेनल होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोजोम, बहुत सारा, तो उसमें से अगर कोई मर गया तो इसको ये खत्म करने का काम करता है, ऑर्गेनल, पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल और डेड या वर्न आउट, जो टूट गए हैं, फूट गए हैं, ठीक है, वो वर्न आउट ऑर्गेनल। तो जो सब डैमेज हो जाते हैं या अच्छे से काम नहीं करते हैं उसको भी ये खत्म करने का काम करता है। तो यही इसका फंक्शन भी है। फंक्शन क्या है पहला, तो पहला एक फंक्शन आप लिख सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है और बाहर से आए हुए कोई बॉडीज को ये नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब अगर आ गया, वैसे सेल के अंदर आने के लिए बहुत सारा देखे हैं आप लोग, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो खुद उसका एंट्री नहीं देता है, पर इंसान अगर वो एंट्री कर जाता है तो इसको एक खत्म करने का काम इसका है, ठीक है। तो चलिए इसका फंक्शन को भी एक बार हम लोग नोट कर ही लेते हैं, वैसे तो बात कर ही लें फिर भी एक बार नोट कर लेते हैं। तो पहला तो काम हुआ कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आपको ये भारी नहीं लगना चाहिए, इंट्रा स्टैंड फॉर अंदर, ठीक है, इनसाइड, एंड सेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में करता क्या है, तो बाहर के आए हुए चीज़ को, बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम करता है। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं इट क्लीन्स द सेल, सेल को क्लीन करने का काम करता है, इसीलिए तो इसका व्यंजन भी कहते हैं इट क्लीन्स द सेल। कैसे, तो बाय डाइजेस्टिंग, साफ सुथरा करता है, साफ सुथरा कैसे करेगा, गंदगी को बाहर करके, तो गंदगी में कौन कौन आता है सेल के अंदर, तो बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, बाहर से कोई चीज़ आया, फॉरेन मटेरियल में क्या हो सकता है, फॉरेन मटेरियल में बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, आप अभी समझने के लिए बैक्टीरिया, वायरस भी लिख सकते हैं, वैसे एक प्रोटीन भी अगर वो परमिशन से आया नहीं आया न्यूक्लियस के, तो वो भी उसके लिए फॉरेन मटेरियल है, जिससे उसको मतलब नहीं है, तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा बैक्टीरिया, वायरसेस, इस सब को। ओके, और भी कोई काम है क्या, हाँ, तो आप उसी में ऊपर मैंने बता ही दिया है कि ये खत्म कर देता है वर्न आउट ऑर्गेनल का, जो ऑर्गेनल काम ही नहीं करना है, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको रख के क्या होगा, वो सिर्फ सेल का एनर्जी खाएगा, तो इट डाइजेस्ट पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल, उनको भी खाने का काम करता है, ठीक है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यही सब हुआ इसके बारे में, लाइसोजोम और राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गुलगी।